नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के कोट खालसा इलाके में इलाका निवासियों ने पार्षद के खिलाफ निकाला रोष मार्च, धक्केशाही के लगाए आरोप। बठिंडा पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर शहर में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से सहयोग की अपील। पंजाब में नशा इस कदर बढ़ चुका है कि आए दिन नौजवानों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें नौजवान सरेआम नशे का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के तहत अमृतसर के कोट खालसा इलाके में पार्षद सुखबीर सिंह सोनी पर भी नशा बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें पार्षद किसी गरीब व्यक्ति के साथ धक्केशाही करता दिखाई दे रहा है। इसी रोष स्वरूप इलाका निवासियों की ओर से कोट खालसा इलाके में रोष मार्च निकाला गया, जिसके बाद अमृतसर कोट खालसा पुलिस चौकी के बाहर पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले पार्षद सुखबीर सिंह सोनी द्वारा गरीब व्यक्ति के साथ धक्केशाही की गई थी, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, लेकिन पुलिस पार्षद पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही, जिस कारण वह रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भी उल्टा उंड पर ही मामला दर्ज करने की धमकी दे रही है, पर वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर पुलिस ने चार दिन के अंदर अंदर कोई कार्यवाही नहीं की तो वह बड़े स्तर पर कोट खालसा पुलिस चौकी का घेराव करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोट खालसा इलाके दे विच एक कौंसलर दी बदमाशी जिहड़ी उसने 15 दिन पहला इस जगह पर की सी, एक मजदूर परिवार नाल, एक मजदूर मुंडे नाल जिहड़ा दिहाड़ी दप्पा करता उन्हूं गाल मंदा किया, पर 15 दिनों के जिहड़ा उन्हूं इंसाफ नहीं दिता गया। नाल दी नाल ओह कौंसलर जिहड़ा नशे का कारोबार एक रैकट चलाउंदा अपनी सस थ्रू अपने सालियां दे थ्रू जिहड़े गए वाले घरों भज्जे होए आ, उहनां दे नाल दी नाल नशा वेच रहा, नाल दी नाल जिहड़ा इस इलाके च जिहड़ा बड़ी वड्डी पद्धर ते जिहड़ी बदमाशी कर रहा ते लोकां दी लुट कर रहा, साडियां मावां भैणां नूं उहनां दे सुहागां तों सखणा कर रहा, मावां नूं उहनां दे पुत्तां तों दूर कर रहा। अज उस दे संबंध च जिहड़ा वा ओह कोट खालसा थाणे दा जिहड़ा नौजवान सभा वल्लों घराओ कीता गया, ते नाल दी नाल इस थाने नूं इह संकेतिक धरना सीगा, रोस प्रदर्शन सीगा। नाल दी नाल 8 तरीक नूं असीं इक सद्दा दित्ता, इक जिहड़ी आ खुल्ली मीटिंग ते इक वड्डा धरना ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੱਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 19 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤਿਉਹਾਰੋਂ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਂ SSP की अगुवाई में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च बठिंडा के SSP दफ्तर से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होता हुआ वापस SSP कार्यालय में आकर समाप्त हुआ। शहर में त्योहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 3 ट्वेरा गाड़ियों के ऊपर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो मेन चौक पर खड़े होकर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करेंगे, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। इस फ्लैग मार्च के जरिए शहर में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया और लोगों से अपील की गई कि वह पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें और किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। आपने ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਏਰਟੀਆ ਗਾੜੀ PCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਏਰਟੀਆ ਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਲਗਾਇਆ। ਹਰ ਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਕੈਮਰਾ, ਉਹ ਫਰੰਟ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਬੈਕ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਮੇਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਇੱਕ सिम कार्ड के साथ तहत इंटरनेट कनेक्शन लिए गए हैं। यदि बैकअप 14 दिन के लिए रहेगा हमारे पास,
ये जड़ा कैमरा है हाई क्वालिटी कैमरा से 5 मेगापिक्सल का है और नाइट विशन के साथ है। जिवें नॉर्मल ड्यूटी करते हैं PCR मोटरसाइकिल पब्लिक के बीच में जाते हैं क्राउडेड एरिया में जाते हैं वो सारे चीज़ इसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो पता ही है आज का कल का फेस्टिवल का इतिहास का सीज़न है, कल दशहरा फंक्शन है, हमारा जिला दे विच काफ़ी तावां पे बड़ी लेवल पर मनाया जा रहा है। बठिंडा शहर दे विच 2-3 मेन प्रोग्राम ने, बाकी छोटे छोटे प्रोग्राम ने। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र कल रात भी असी 12 बजे 1 बजे तक सारे टीम बाहर चेकिंग करते रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। आज हमने शहर के विच एक बड़ी लेवल दे फ्लैग मार्च का प्लान किया है। ये पुलिस लाइन के एरिए तो दफ्तर तो शुरू होके City 1 City 2 के एरिए विच पूरी कवर करके असी पब्लिक नू ये मैसेज देना चाहते हैं थ्रू फ्लैग मार्च, वी आर अवेलेबल फॉर यू, असी तोड़े लिए हाजिर हैं। प्रबल TMT सरिया की ओर से हिमाचल प्रदेश के गगरेट के इंडस्ट्रियल एरिया में डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ विधायक राजेश ठाकुर द्वारा किया गया है। इस मौके पर प्रबल TMT के MD बलदेव सिंह की ओर से इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे उनके वर्करों की सुरक्षा और समय पर इलाज की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस डिस्पेंसरी का आगाज किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों को प्राथमिक उपचार के लिए गगरेट अस्पताल जाना पड़ता था, परंतु अब उन्हें ये इलाज यहीं पर मिल जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस डिस्पेंसरी में 7 दिन 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के अलावा डिस्पेंसरी की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। गगरेट से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो अज प्रबल TMT सरिया दे वल्लों जिहड़ी इत्थे डिस्पेंसरी शुरू की गई है ते नाल ही जिहड़ी एम्बूलेंस एमरजेंसी लई शुरू की गई है उसके उद्घाटन दे लई इत्थों दे MLA जो कि राजेश ठाकुर साडे नाल मौजूद ने। सर, ये जिहड़ा उपराला है जिहड़ा कि प्रबल दे वल्लों कीता जा रहा है उसके बारे तुसीं की कहना चाहोगे? मैं ते प्रबल स्टील दे प्रबंधक और उन्हां नूं बहुत बहुत बधाई देना कि अज स्वास्थ्य से ग्रस्त बहुत से लोग बीमारी और दवाइयों के परेशान होकर लोगों के पास कोई राहत नहीं होती, और ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य जो इन्होंने किया है, इस पुण्य कार्य के लिए मैं इनके पूरे परिवार और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को बधाई देता हूँ। इस इंडस्ट्रियल एरिए दे विच बहुत वड्डी कमी एक तरह की है कि मतलब इत्थे मेडिकल सहूलत नहीं सीगी जिसनु कि इन्हां दे वल्लों अज शुरू किया गया है। आम लोगों के लिए भी कहिंदे कि जदों ये पूरी सुविधा आ जाएगी तो सर जिहड़ी सरकार है वह इस दे विच अपना की योगदान पाएगी? इत्थे ISI होस्पिटल चलता जिहड़ा मजदूरों लिए बनया, वह गगरेट के अंदर चलता, उत्थे दवाइयां भी उन्होंने फ्री दित्तियां जांदियां, परंतु साड़ी कोशिश है कि यह होस्पिटल और साड़ा दूजा होस्पिटल जिहड़ा सरकारी है वह भी जु कट्ठे चल रहे हैं। आने वाले समय में सरकार फिर जयराम ठाकुर जी की रिपीट हो रही है और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम लहराया जा रहा है, और सरकार रिपीट होने तो बाद ISIO होस्पिटल जिहड़ा अलग किया जाएगा, और जो जिहड़ा साड़ा PSC है मेडिकल सुविधा जिहड़ी सरकारी तौर पर उन्होंने अलग किया जाएगा ताकि मजदूरों नूं उत्थे राहत मिले। परंतु ये इंडस्ट्री की तरफ से जो पहल हुई है, हम सबका भी ध्येय होता है समाज में सेवा हम किस भाव से करें, पैसा तो किसी के साथ नहीं जाता, जाएगी तो सेवा ही, तो जो सेवा कार्य उन्होंने किया है यही इनका सबसे बड़ा गहना है। ये धन दौलत इंडस्ट्री सब यही रह जाती है, सेवा भाव इंसान को बहुत आगे लेके जाता है, तो इस सेवा भाव के लिए मैं पूरे परिवार पूरे प्रबंधक को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सेल्सन स्टील 20 साल पुराना जी TMT का ग्रुप हैगा जी, ओंकार साढ़े छोटे ब्रदर सन, उन्होंने स्टील इंडस्ट्री नूं बेसिक तो शुरू करके बहुत वड्डे मुकाम तक लेके गए, पर परमात्मा दे अपने रंग हुंदे आ जी। 2020 जुलाई दे विच परमात्मा ने उन्होंने वापस बुला लिया, ही वाज़ आवर यंगेस्ट ब्रदर, तो उन्हों की मेहनत नाल ये सारा कुछ असीं अज इस मुकाम ते पहुंचे हाँ। तो साढ़े मन च सी कि उन्हां दी याद दे विच कुछ ना कुछ पब्लिक सेवा विच कीता जावे। छोटे ब्रदर करण जी, नछत्र जी, सारी टीम है, राणा जी साढ़े नाल शुरू तो जुड़े हुए ने, साडा सारा ही जिहड़ा इत्थों दा काम देखदे ने, इह सारी टीम ने डिसाइड कीता है कि वी शुड गिव बैक टू द पब्लिक आलसो। सो उस परस्पैक्टिव दे मसले सिलसिले दे विच एक छोटा जिहा उपराला है, पर परमात्मा कृपा करे वी विल डू मच बैटर। दिस इज़ द इनिशियल वन असी शुरू किया है, यदि डिटेल जी राणा जी को ज़्यादा है किदा किदा वर्किंग करनगे,
बट ओवरऑल ये है कि पब्लिक की सहूलत वास्ते सेहत सहूलत वास्ते सैलसन ग्रुप वालों ये उपराला किया गया। जहाँ तक जैसा कि अभी बलदेव जी ने आपको बताया कि हम लोगों ने एक ये छोटी सी शुरुआत की है, इसके पहले हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री में लोग काम करते थे उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता था किसी भी सहूलियत के लिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक छोटी सी डिस्पेंसरी से शुरुआत की है कि इनिशियल स्टेज पे हम उनको इलाज मुहैया करा पाएँ। एम्बुलेंस रखने का कारण ये था कि हम और हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है, हमारी काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री एरिया है ये, तो हम लोग ये देखते थे कि जब हम एक सुविधा अपने यहाँ के एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना उसका फ़ायदा हमको बाहर वाली इंडस्ट्री को और आसपास के लोगों को भी मिले। तो इस बारे में हम लोग पहले भी काम करते थे, लेकिन क्या था कि हमारा अपनी तरफ से शुरुआत किया हुआ कुछ भी नहीं था। इसी के कारण फिर बलदेव सर हमारे, इनसे हमारी बात हमेशा सब मैटर पे होती थी, तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओंकार जी जो हमारे यहाँ पे मेन हुआ करते थे, जिनकी जिन्होंने सब सी चीज़ों की शुरुआत की थी, तो उनके नाम से हम क्यों ना थोड़ा सा बाहर निकलें। तो इस तरीके अब ये हमारे यहाँ पर रहेगी एम्बुलेंस, इसका नंबर हमारा एक ड्राइवर, और ये 24 आवर हमारी ये तैयार रहेगी। कहीं भी हमारी इंडस्ट्री में और हमारे इंडस्ट्री के बाहर किसी को ज़रूरत है तो वो उस नंबर पर फ़ोन करके इसका यूज़ कर सकता है जी। और अभी हम जो डिस्पेंसरी हमने अपने अंदर खोली है, हमारा भी सोच ये है कि हम इसके एक बाहर भी बड़े रूप में इसको खोलेंगे, जिससे कि कईयों को और फायदा मिलेगा। जालंधर के आदर्श नगर स्थित इंद्रप्रस्थ होटल के नज़दीक एक जिम में से एक नौजवान का मोबाइल चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं मोबाइल मालिक द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक लड़की उसका मोबाइल चोरी करके ले गई है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने जिम व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक दंपत्ति को राउंड अप किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बनती कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। मेरे भाजी अज सवेरे जिदा मैं 7:45 बजे जिम आया, जिदा ट्रेडमिल वगैरह किया तो वाशरूम गया वा, ट्रेडमिल मैंने करते करते एक लड़की के उपर गई सी, वो मैं देखी जरूर है, कही है नवी, पहली बार देखी लड़की। फिर मैं वाशरूम गया वा बाहर टेबल से फोन रख के, जो मैं वाशरूम गया नाल ही नीचे आई है, फोन चक के चली। सर कितने का टाइम से? सवेरे 8:02 का टाइम से। सर जी पता कितना चलिया फोन चोरी उन्हें किसा? सीसीटीवी तो देखते गए, अंदर से देखे, बाहर से देखे, इंद्रप्रस्थ होटल से देखे, फिर अगे कपड़े वाले देखे, उत्थे उन्हें एक्टिवा लगाई है, उन्हें अपनी जी इलैक्ट्रिक स्कूटर से उत्थे लगाया, उन्हें उत्थे करते करते अगे अगे जाते रहे जाते रहे, तो उन्होंने वह घर लभ लिया जाते अज, मतलब पिंक सिटी मार्बल के कोल। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਮ विनिंग डांस एकेडमी की तरफ से जालंधर हाइट्स फेज 2 स्मार्ट होम्स में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर रीतिका ने मुख्य अतिथि एवं जज के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में डांडिया के साथ साथ बच्चों की तरफ से डांस परफॉर्मेंस भी दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीमा गल्होत्रा द्वारा की गई। इस दौरान डांडिया डांस कोरियोग्राफर विजेता गिल द्वारा करवाया गया। इस दौरान विजेता रहे प्रतिभागियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बेस्ट डांडिया किड, बेस्ट डांडिया जोड़ी, बेस्ट अटायर, बेस्ट हेयर स्टाइल और बेस्ट मेकअप जैसे स्टाइल भी दिए गए। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हैप्पी नवरात्रे सारे शहर वासियों, सारे जय माता दी। असी इत्थे स्मार्ट होम दे अज लास्ट नवरात्रे दे विच डांडिया प्रोग्राम रखिया हाइट 2 विच, और सारे ने इत्थे बहुत ही इंजॉय किया, डांडिया खेलिया, बच्चों के गिफ्ट निकले, असी जिहड़े फस्ट प्राइज सैकेंड प्राइज सारे दिते, और सारे इत्थों बहुत ही इंजॉय करके गए, बहुत ही वधिया
ਡਾਂਡੀਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਾਂਡੀਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਯੈਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੂੰ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਥਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਵੀ ਹੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ ਥਾ ਵੈਸਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਮਾ ਮੈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣ ਕੇ ਲੀਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਮਾ ਮੈਮ। नमस्कार, आज मैं जलंधर हाइट्स 2 के स्मार्ट होम्स में आई थी डांडिया के फंक्शन के लिए जो इधर सीमा मैम और विजेता के द्वारा आयोजित किया गया था नवरात्रि के शुभ अवसर पर, और यहाँ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेडीज़ में इतनी एनर्जी है और इतना अच्छा डांस सब करते हैं, उसकी जजमेंट करके एज ए चीफ गेस्ट आके मुझे ये सब बहुत अच्छा माहौल लगा यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ आने वाले टाइम में भी ऐसे ओकेजन्स प्लान किए जाएँ ताकि इनको और स्टेज मिल सके और ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और ये अच्छा परफॉर्म कर सके। हमारा समाज किन्नरों को आज भी पूरा सम्मान देता है और कहीं ना कहीं उनको भगवान के नज़रिए से भी देखा जाता है, लेकिन ऐसे में एक शख्स ने किन्नर को भी अपनी जालसाजी में उलझाकर ठग लिया। मामला संगरूर का है जहां बलविंदर कुमार उर्फ मिट्टू लड्डा ने पटियाला की सिमरन महंत से शादी रचाकर उसके साथ प्यार का झूठा स्वांग रचते हुए 50 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता सिमरन महंत ने संगरूर में मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि कथित आरोपी ने उसको एक महंतों के फंक्शन में देखा और उसके बाद किन्नर जानते हुए भी उसके साथ शादी की। देश के कई हिल स्टेशनों पर जाकर वे पति पत्नी की तरह घूमे भी। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में रिहाइश बनाकर एक लंबा समय पति पत्नी के तौर पर गुजारा। पीड़िता के मुताबिक उसे इसी दौरान पता चला कि उसके पति ने उसके साथ 50 लाख रुपए की ठगी की है, जिसके बाद उसने पुलिस प्रशासन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुमेन सेल के कई चक्कर लगाए। इस काम में उसको समय तो लग गया, लेकिन अब कथित आरोपी पर केस दर्ज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि कथित आरोपी बलविंदर कुमार उर्फ मिट्टू लड्डा पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हो गया है। उसको अदालत में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इस दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। डायरेक्टर BOI ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वालों इंक्वायरी की गई है, उसके आधार पर FIR नंबर 202 अंडर सैक्शन 377 420 406 अगेंस्ट बलविंदर कुमार एलियस मिट्टू लड्डा इन्हों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्हों का काफ़ी टाइम तो इंक्वायरी चल रही थी, जो सिमरन ने सिमरन महंत पटियाले के रहने वाले उन्होंने वालों मुकदमा दर्ज कराया गया। इन्हों की शादी वगैरह हुई थी पहले? इन्हों का आपस में विआह होया जी, उदू बाद इन्हों का कोई डिस्प्यूट पै गया जी, वो पैसों का लैंड देन ऑरनामेंट्स का गोल्ड ऑरनामेंट्स का, तो वो संबंध के इन्हों वालों पहला भी दरखास्त चल दी जी, वो सारिया शिफ्ट होकर BOI के चलन लग गए। यही मैटर आधार पर FIR दर्ज हुई है, चीटिंग अबलीक फ्रॉड। किसी पोलीटल पार्टी भी संबंध रखते हैं? दो तीन महीने पहला पता लग गया से, इन्हों जिला प्रधान कांग्रेस पार्टी का लग गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मान्यता दिए जाने पर विरोध शुरू हो गया है। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इसी के चलते श्री दरबार साहिब में सूचना केंद्र के बाहर से एक रोष मार्च निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक यह रोष मार्च पहुंचा। SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में निकाले गए मार्च में समूह के कर्मचारियों ने काली दस्तार और हाथ में काले झंडे पकड़कर रोष जताया। इस मौके पर हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस संबंधी उन्होंने एक रिव्यू पटिशन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी थी, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि RSS देश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मुल्क दे विच डेमोक्रेसी प्रवेल करती आ, जे किसी मनुख नूं कोई तकलीफ आ, किसी जथेबंदी नूं कोई दुख आ, वह एडमिनिस्ट्रेशन के सन्मुख हो के अपनी कोई दरखास्त रूपी जां होर कोई झगड़ा होवे पेश हुंदा। असीं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਊਸ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸਕੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੜਾ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਜਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣਕਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਖਿਲ ਉਠੇ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਲੁਬਾਨਾ ਗਾਓ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਦਿਲ ਸੇ ਆਭਾਰ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੜਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਹਾਥ ਥਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਕੋ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਹੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ 50% ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਦਈਪੁਰ ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਏਵਮ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾ ਮੰਚਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸੇ ਦੇਖ ਕਰ ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੂਰਵ CPS KD ਭੰਡਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਤੀ ਰਵੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰ ਰਿਬਨ ਕਾਟ ਕਰ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੀਪਕ ਸੂਰੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, VP ਗੁਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਤਾਰਾਮ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਰਮਾ, ਰਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਏ, ਹਰੀਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਯ ਰਾਮ ਭਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਂ ਬੰਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਮੇ ਸ਼ਾਰਦੀਏ ਨਵਰਾਤਰੋਂ ਕੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਏਵਮ ਸੰਚਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀਵਤ ਪੂਜਨ ਉਪਰੰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਨਵਮ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋਏ ਜਜਮਾਨੋ ਸੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਲਵਾਈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸੋਨੂ ਛਾਬੜਾ, ਸਮੀਰ ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੀਕੰਠ ਜੱਜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਬਸੀ, ਨੀਰਜ ਪਾਠਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੋਪਾਲ ਮਾਲਪਾਨੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸਮੀਰ ਕਪੂਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਸਾਵਰੀਆ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੱਗਦੱਤ, ਰੋਹਿਤ ਭਾਟੀਆ, ਰੌਕੀ, ਪੰਕਜ ਸਾਬੀ, ਲੱਕੀ, ਸੁਨੀਲ ਜੱਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਔਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਹਿਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵਹੀਂ ਆਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਮੰਦਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨੰਬਰ 17 ਮੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਪਰ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਵਮ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ, ਮਨੀਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਜੂ, ਆਸ਼ਾ, ਊਸ਼ਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੀ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਨੌਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਨ ਕਰਾਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਪੂਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰਾਮਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-300 ਕੰਜਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰਾਮਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
6 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਨੰਨੀ ਨੰਨੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਮਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਮੋਲੀ ਚੜ੍ਹ ਬਣੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੰਜਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਰਾਮਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ छोटी छोटी कंजकां आई हैं। विजय दशमी पर्व के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधों का जायजा लेने के लिए एडीजीपी नरेश अरोड़ा जालंधर शहर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जालंधर महानगर में लगभग 40 स्थानों पर होने वाले दशहरा उत्सवों में से कुछ दशहरा ग्राउंड्स में जाकर जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर एडीजीपी नरेश अरोड़ा ने जनता से अपील की है कि वह पुलिस का पूरा सहयोग करे। उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा में जनता सभी त्योहार उत्साह के साथ मनाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे प्रबंध किए गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो दशहरे का पवित्र त्यौहार है तो इस पर वक् वक् दशहरा के प्रोग्राम किए जा रहे हैं उस दैरियां जड़िया ने पुलिस वालों सिविल प्रशासन वालों सारे वालों एक की गई ने मैनेजमेंट कमेटीज मिलकर तो अज असी फाइन ट्यून कर रहे हैं जोड़े सी पी साहब के नाल जिते जिसने फोर्स वगैरह डिटेल की थी है तो मेरी सारू जलंधर वासियों यही अपील है कि वह अमन शांति के नाल रल मिल के सारे इस त्यौहार में दशहरा पर्व के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू की ओर से जालंधर छावनी का दौरा किया गया और सुरक्षा प्रबंधों के इंतजामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने कहा कि फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और शरारती तत्वों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित ना हो इसके लिए फायर ब्रिगेड को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर थाना छावनी के प्रभारी SHO राकेश कुमार, पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू सहित दशहरा कमेटी के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। उन्होंने जायजा लैन के वास्ते अज मानयोग श्री नरेश अरोड़ा ADGP इतने पहुँचे और शहर के जो वक् वक् दशहरा मनाए जा रहे हैं उन्हों की वो विजिट करे और जो जो सुरक्षा प्रबंध किए गए उन्होंने समीक्षा करे। इतने भी और हर जगह पर असी ट्रैफिक रेगुलेशन पार्किंग इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन एंटी सबोटेज चैकिंग एक्सैस कंट्रोल ये सारे प्रबंध जोड़े है किए गए हैं। कॉन्टेंजेंसी मैनेजमेंट वास्ते भी स्पैशल प्रबंध किए हुए हैं। एम्बूलेंस फायर टेंडर ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग ये सारा कुछ लगातार सिस्टमैटिकली किया जा रहा है ताकि दशहरे के दौरान किसी किस्म की कोई अनसुखावी घटना ना वापरे। जय श्री राम जय श्री राम। जो कि हर साल की तरह इस साल भी दशहरा ग्राउंड के अंदर दशहरा मनाया जा रहा वा वो असी अज साडे चेते तौर के उपर CP साहब साडे SHO कैंट DSP साहब जिन्हें भी साडे जलंधर की पुलिस है अफसर है साडे उन्होंने आके इत्थे जो कि जायजा लिया वा सानू बड़ी खुशी हैगी कि साडी जो पंजाब पुलिस है साडा जलंधर जो साडे कमिश्नर साहब है साडी बहुत मतलब जिहड़ी देख रेख कर रहे हैं और बहुत प्रबंध इन्होंने किए असी इन्हों बहुत इस गल की बधाई दें। उन्होंने कल भी इत्थे आके काफ़ी मतलब सारी देख रेख की सारा चैक किया और अज भी किया। अज साडे साहब चंडीगढ़ तो भी आए थे उन्होंने नाल उन्होंने भी किया। पूरी पुलिस जी है कि बहुत सहयोग साडे कैंट दशहरे के पलटन पार्क जलंधर पंजाब बहुत कर रही है। जय श्री राम जी। जलंधर छावनी का दशहरा जैसे कि हम लोग जानते हैं पंजाब में सबसे बड़ा दशहरा होता है। जैसे हिमाचल के कुल्लू में जो दशहरा होता है तो लोग भारत से नहीं विदेशों से भी आकर उसको देखने की चाह रखते हैं क्योंकि वो बड़ा भव्य दशहरा होता है। इसी तरह जलंधर छावनी का दशहरा पिछले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे दशहरे होते रहे हैं लेकिन इस बार का दशहरा है जो मैं समझता हूँ हिमाचल के बाद अगर कहें हम पंजाब का ये कुल्लू वाला दशहरा ही होगा जलंधर छावनी का दशहरा। इसमें बहुत से प्रबंध किए गए हैं। एक तो जो यहाँ का बैठने का प्रबंध है आप अगर स्टेज के कैमरा घुमाएंगे तो लोगों के बैठने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और गर्मी से बचने के लिए पंखे और कूलर ऐसा शायद ही किसी दशहरे में आपको देखने को मिलेगा। इतने अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि लोगों को जो यहाँ पर आए उनको पूरा आनंद है दशहरा देखने का। और उसके अलावा जो जैसे रावण कुंभकर्ण मेघनाथ और आपके सामने जो लंका है
मैं समझता हूँ जो लंका जो कि स्टील शटरिंग से ऊपर ही लंका का जो पूरा ढांचा खड़ा किया है, ये पंजाब में नहीं उत्तर भारत में शायद ऐसा लंका का जो दृश्य है आपको कहीं देखने को ना मिले। तो जो प्रबंध हैं बहुत अच्छे हैं। शिव मंदिर उदासीन आश्रम कबीर विहार बस्ती बाबा खेल जालंधर में 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक पावन नवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आश्रम के संचालक श्री 108 संत राज किशोर दास की अध्यक्षता में किया गया, जिसके समापन समारोह में श्री श्री 1008 शांतानंद जी महाराज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर श्री राम कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर मंदिर प्रधान मिथिलेश शर्मा, उप प्रधान सुग्रीव प्रजापति, ललित मिश्रा, संजय मिश्रा, महेंद्र सिंह, अशोक पाल, उपेंद्र सिंह, महेश सिंह सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत और त्योहारों के मद्देनजर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुदेश राजन और फूड अधिकारी रमन विरदी की ओर से लोगों को बढ़िया खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए होशियारपुर में छापामारी कर दूध और मिठाइयों के 9 सैंपल भरकर जांच हेतु लैब में भेजे गए हैं। इस दौरान उनकी ओर से विशेष तौर पर दशहरे के मेले का जायजा भी लिया गया, जहां पर उन्होंने सामान तैयार करने वाले लोगों को साफ सफाई, हाथों में दस्ताने और सिर पर टोपी पहनने के निर्देश भी दिए। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मिलावट खोरों के खिलाफ तो होर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अपडेट नहीं करते, उन्होंने रिगार्डिंग असी अज चैकिंग की गई है। मेले के आगे बहुत सारे दुकानों पर फ्री रेडियो चैक किया, दिशा निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई का ख्याल रखन, तो अपने फूड जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जी रिन्यू करा या लैन, तो अपने दस्ताने पा के कैप पा के सारा कुछ साफ सफाई करके खाने पीने वस्तें लगे ता जो लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के कोट खालसा इलाके में इलाका निवासियों ने पार्षद के खिलाफ निकाला रोष मार्च, धक्केशाही के लगाए आरोप। बठिंडा पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर शहर में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से सहयोग की अपील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।